नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में, आज हम बात करेंगे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कोरोना काल में कराए जा रहे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में संचार प्रचारकों को उतार दिया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भाग है। बख्तियारपुर विधानसभा में राजद और भाजपा आमने सामने है। राजद ने जहां अनिरुद्ध कुमार है, तो वहीं भाजपा ने रणविजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। हम बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बख्तियारपुर विधानसभा के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज हम बात करेंगे बख्तियारपुर विधानसभा के विधायक के बारे में। मौजूदा वक्त में इस क्षेत्र से रणविजय सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 61,496 वोट प्राप्त किया था। वो भाजपा के टिकट से खड़े हुए थे। इस सीट के लिए भाजपा और राजद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। राजद के अनिरुद्ध कुमार 53,594 वोट हासिल कर निकटतम प्रतिद्वंदी हुए थे। साल 2010 के हुए चुनाव में यहां से राजद का कब्जा रहा था। राजद के टिकट से अनिरुद्ध कुमार चुनावी मैदान में खड़े हुए थे और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के विनोद यादव को 14,745 वोट से पीछे छोड़ दिया था। साल 2005 के चुनाव परिणाम की ओर चले तो फरवरी के चुनाव में जनता ने अनिरुद्ध कुमार को चुना। वो राजद के टिकट से खड़े हुए थे, लेकिन अक्टूबर महीने में जब दोबारा चुनाव करवाए गए तो भाजपा ने सीट पर कब्जा कर लिया और विनोद यादव विधायक हो गए। साल 2000 में भी भाजपा का कब्जा रहा। भाजपा के टिकट से विनोद यादव 10 सालों तक विधायक का पदभार संभालते थे। 1995 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जनता दल का कब्जा रहा था और यहां से जनता दल के ब्रजनंदन यादव को विधायक चुना गया था। साल 1990 के चुनाव परिणाम को हम देखें तो इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस का दबदबा रहा था। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार रामजय पाल सिंह यादव को चुनावी मैदान में खड़ा किया था, वहीं वो विधायक चुने गए थे। बख्तियारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 साल में यूं तो काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है और ना ही जनता इससे खुश है। जनता की मांग और भी है जिसे पूरा करना अनिवार्य है। विकास कार्य को देखा जाए तो पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा में प्रोत्साहन, चिकित्सीय उपचार, बिजली की उपलब्धता लोगों तक पहुंच सकी है। दियारा क्षेत्र में बिजली पहुंचने से लोगों की रातों को रोशनी आने से राहत मिली है। चुनावी मुद्दों की तरफ देखें तो कई मांगों को लेकर आम जनता असंतुष्ट नजर आ रही है और लगातार अपने क्षेत्र के विकास को लेकर मांग उठा रही है। शुद्ध पेयजल का अभाव है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जल जमाव से लोग आजीज आ चुके हैं। बख्तियारपुर महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, इसकी महत्ता के हिसाब से शिक्षा का विकास कुछ खास नहीं है। टाल योजना लटका पड़ा है, किसानों की हालत भी दयनीय है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किसी एक पार्टी को लंबे समय तक पसंद नहीं किया है। यहां पर भाजपा के साथ राजद का भी दबदबा रहा है। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, वहीं भाजपा ने यह अपने पुराने उम्मीदवार रणविजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं राजद ने भी अपने पुराने प्रत्याशी पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतार दिया है। बख्तियारपुर की जनता लगातार उम्मीदवार बदलती रही है, ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि किस पार्टी की जीत होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।